देखो बाकी पूरा लोग मजे कर रहे हैं, एकदम डांस वगैरह कर रहे हैं। व्हाट्सअप गाइस, सो ये मुन्नार व्लॉग का डे टू है। फ्रेश व्लॉग मुन्नार वाटर डैम से स्टार्ट कर रहे हैं। बाइक हम लोगों ने वहाँ पे पार्क कर दिया है और भाई मुन्नार का तबाही वाला एकदम सीन है, मतलब के सीन नहीं प्रकृति का सीन है, प्रकृति जो है नेचर का एकदम धमाका सीन है। सो डे टू में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ का मुन्नार वाटर डैम। और गाइस यू कैन सी द व्यू, बेसिकली ये जगह पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पे पानी का थोड़ा सा नीचे जगह में पानी का लेके। सो गाइस देखो पीछे पहाड़ ही है, पूरा पहाड़ और पहाड़ चारों तरफ और बीच में ये पानी, यहाँ में बोटिंग भी होता है। सो गाइस ये नज़ारा एकदम भाई कूल है, फाड़ू नज़ारा है। सब फ्रेश होके आए एकदम सुबह सुबह। ओह माय गॉड, वाओ। और इसी जगह में कुछ स्टॉल्स वगैरह भी लगा हुआ है, तो जगह छोटा है मगर धमाका बड़ा है भाई। पूरा पीछे स्टॉल्स, कार और बाइक पार्किंग सामने ही है और पास में थोड़ा सा, पास में दो लाइन होके एकदम स्टॉल्स लगे हुए हैं। कुछ खरीदना चाहते हो तो इधर से ही खरीद सकते हो भाई। देखेंगे घूमने के बाद, अगर कुछ पसंद आया तो लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, अगर नहीं आया तो ऐसे ही घूम के चले जाएंगे भाई। बालों का एकदम हालात बहुत ही ख़राब है। पेरेंट्स को लेके जज मत करना गाइस, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हेलमेट पहन के ही राइड करना पड़ता है, तो और हेलमेट पहनने के बाद पता ही है बालों का क्या हाल होता है। सो डोंट जज माय पेरेंट्स गाइस। स्टॉल्स सब कुछ मिल जाता है, खाना वगैरह। यार यहाँ का सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे ये लगी है कि पहाड़ी में सब लोग वैसे, मतलब पहाड़ को काट काट के एकदम घर बनाए हुआ है और उधर ही रहते हैं। और यहाँ का बच्चे लोग भी स्कूल में पढ़ते, यहाँ का फुटबॉल ग्राउंड भी है। थोड़ा सा जगह को क्लीन करके यहाँ पे ग्राउंड वगैरह बनाया है उन लोगों ने। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं, अगर नहीं दिख रहा है शायद। ये देखो वाटर स्पोर्ट्स भी चल रहे हैं सामने, बोटिंग कर रहे हैं सब, इसी वाटर में बोटिंग कर रहे हैं। तो सो यहाँ पर एक ही चीज़ कल्टिवेट होता है जो कि है चाय, और चाय के ऊपर ही यहाँ का पूरा पहाड़ी का बिजनेस चलता है। सो यहाँ पे पूरा भीड़ लगा हुआ है बोटिंग के लिए, क्योंकि भाई नज़ारा देखो मस्त नज़ारा है। नान आमु मालदो हाल सुगा ओप्सोच्ची चन्नुने बनान्दानुन इयागीगा। ये देखो पूरा बोटिंग के लिए पूरा लाइन हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे बोटिंग के लिए भाई सब लोग बोटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इतना मज़ेदार व्यूज़ है यहाँ का, इतना मज़ेदार होता है। मैं दिखाता हूँ बोटिंग। चलते जा रहे हैं और यहाँ का नेचर का मज़ा ले रहे हैं भाई। सच में अगर नेचर लवर हो तो इधर आओ, मज़े करो यार। और सामने एक ब्रिज बना हुआ है, देखिए तो सामने ब्रिज बना हुआ है जो कि ये एक सड़क के साथ जुड़ता है। सो
थोड़ा सा चल के जाएंगे ये ब्रिज। जहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ स्टॉल वगैरह है और पार्किंग के लिए, वो वहाँ से शुरू होता है जो गेट देख रहे हो सामने। अकॉर्डिंग टू योर व्हीकल, टू व्हीलर हो तो 5 रुपीज़ और 4 व्हीलर हो तो शायद 20 रुपीज़ लेता है उधर पार्किंग और स्टॉल्स वगैरह। और यहाँ पे और मेनली इस ब्रिज में खड़े होकर ये सब प्रकृति का मज़ा लेते हैं भाई, नेचर का मज़ा लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे बोटिंग ही लगा। हम लोगों ने बोटिंग नहीं किया क्योंकि ना बहुत भरा पड़ा है भाई, फॉरेनर्स देख ही सकते हो, पूरा फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने आते आते भी 2-4 फॉरेनर्स के साथ बातें भी किया और फोटो। तो ये जगह मैंने पूरा, हम लोग पूरा घूम चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तुम लोगों को पता ही है कि पहाड़ी इलाके में और डिजर्ट इलाके में जहाँ पे दिन में बहुत ही गर्मी होता है और रात को बहुत ही ठंडी होती है। तो यार जब लोग, हम कल रात को होटल पे थे और इतना ठंडा था कि भाई मतलब बेड भी गर्म नहीं हो रहे हम लोग के बॉडी के हीट। और अभी तो मुझे बहुत ही गर्मी लग रहा है, सोचा था कि ऊपर जाऊंगा शायद ठंडा वगैरह लगेगा, पर नहीं, दिन में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और रात को भाई भयानक वाला एकदम ठंडा है। कंदाला लेके और पूरा पहाड़ है, यहाँ का क्या बताऊँ, कुछ बोलने वाला तो कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पर पूरा नेचर का ही सीन है पूरा। ये पहाड़ देखो भाई कितना ऊंचा है, वीडियो में कैसा दिख रहा है मुझे पता नहीं, अगर आओगे इधर और आके अपने आँखों से देखोगे भाई तो ही पता चलेगा कि कैसा है। तो राइडर देखो, बाकी पूरा लोग मज़े कर रहे हैं, एकदम डांस वगैरह कर रहे हैं और पीछे पूरा थोड़ा सा छाव है और फेड़ वगैरह है और इसी छाव में सब लोग। और यहाँ पे अगर ये कैंप वगैरह किया जाए तो सबसे अच्छा है क्योंकि यही है जगह जगह पे लेक। दिस इज वेस्टर्न घाट्स जो हिल्स है उसी का एक पार्ट है क्योंकि भाई इंडिया का जो वेस्टर्न घाट हिल्स है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही मीलों में फैला हुआ है ये वेस्टर्न घाट और उसी का ही एक पार्ट है भाई। हर एक नज़ारा बहुत ही मस्त है। तो हम लोग अभी इधर से भी निकलेंगे, बात करते करते गला भी सूख गया, पानी दे थोड़ा सा। ब्लॉग वाला को ले ले भाई, पीछे सब लोग डांस भी कर रहे हैं और मस्त वाला गाना भी बजा रहे हैं। तो थोड़ी देर इधर बैठेंगे, बैठने के बाद थोड़ा सा थोड़ी देर बैठने के बाद कुछ फोटोग्राफी करेंगे क्योंकि इस टाइप के लोकेशन सिर्फ मैं मूवी में ही देखा हूँ। आवाज़ कितना आ रहा है पता नहीं, मगर एडजस्ट करना पड़ेगा भाई क्योंकि पूरा व्लॉगिंग सेटअप साथ नहीं ला सकता क्योंकि और एक बात बता दूँ, ये जो पूरा एरिया है ये पहाड़ जो बहुत ज़्यादा ऊंचा है वो पहाड़ एरिया है, तुम लोग देख सकते हो जो हाईएस्ट पीक में वो पहाड़ है और उसके नीचे जितना भी मतलब हाइट लो होता जा रहा है और जितना लो होता जा रहा है उतना जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा है। ये तो नीचे वाले एरिया में पूरा फॉरेस्ट जैसा है और ये इस फॉरेस्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया है, पूरा जितने भी रिजर्व है, इससे पहले भी मैं बता चुका यूनेस्को ने ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाल चुका है और इसलिए यहाँ पे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, बंदर वगैरह सब कुछ ये रिजर्व करते हैं। हम लोग अभी निकलने वाले बाइक, जहाँ पे बाइक पार्क किए थे उधर ही हम लोग जा रहे हैं और निकलेंगे सामने की तरफ। ये ब्लॉग हम लोग को इधर ही ख़त्म करना पड़ेगा। सो गाइस, सो वी एंड अप दिस ब्लॉग, बाय।